गुड मॉर्निंग सर, अरियन जी भी हैं मेरे एल्डर ब्रदर, वो भी जूम में ही है। अच्छा, वेरी नाइस। आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच हिम। हाय अरिहंत, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो पूरा खानदान इकट्ठा कर लिया है, चलो गुड, एक्सेलेंट। सो व्हाई डोंट यू टेल देम कि आपका बिजनेस क्या है, आपका क्या व्हाट इज बीन योर स्टोरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाई डोंट यू शेयर दैट विद अस। ओवर टू यू, बताइए जी। शुड आई स्टार्ट? हाँ जी, बताइए। सो हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वी आर फ्रॉम जयपुर एंड वी स्टार्टेड विद अ रिटेल ब्रांड नेम नोन एज निखार एंड वी डिड आवर बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड वी वेंट बैक टू मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोगों की चार कंपनीज हैं अभी, निखार, नोया, फ्लो, फ्लोविंग और फ्लो रिटेल। तो हम लोग सबसे पहले मेरे जो बिग डैड हैं रविंद्र जी, जो कॉल पे हैं साथ में, ही स्टार्टेड विद अ विजन ऑफ ओपनिंग अ स्टोर इन जयपुर। वी वर फ्रॉम अ विलेज नोन एज लाडनू नियर नागपुर। और उसके बाद माय फादर जॉइंड द बिजनेस विद माय बिग डैड, लेटर ऑन आई जॉइंड एंड लास्टली माय ब्रदर जॉइंड सिद्धार्थ। तो व्हाट हैपेंड कि हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और पूरा जो बोलते हैं, जो राहुल जैन सर भी बोलते हैं कि एकदम लाला सिस्टम से बिजनेस स्टार्ट हुआ था और बहुत अच्छा बिजनेस चला था पहले, लेकिन एट दी एंड क्या हुआ कि बीच में बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन आ गया। हुआ क्या, जितना हम लोग कर पा रहे थे वितरण हम लोगों ने किया, इन लोगों ने किया, बहुत स्पीड से चला, लेकिन जब वहां पे जो हम लोगों को ब्रेकडाउन मिला वो हम लोग उसको कैच नहीं कर पा रहे थे इतने सालों से। फिर मैंने बॉम्बे से पढ़ा, मैं आया, फिर मैं, मेरा ब्रदर आया, हम लोगों ने ज्वाइन इन करा, फिर भी हम लोग कैच नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों को लगा हमने ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया, एमबी कर लिया, हम लोगों ने करा, फिर भी हम लोग कैच नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर नहीं पा रही थी हम लोगों की। सो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रही थी वो चल रही थी जनरेशन गैप की। एक तो हम दोनों आए पहले नए और ये दोनों पहले से चल रहे थे, और उसके बाद हम दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, और तीसरा एक और डिफरेंस जो हम लोगों ने निकाला वो था स्टाफ की सोच का डिफरेंस, जो स्टाफ सोच रहा था। तो तीन सोच चल रही थी एक ही कंपनी को लेके, स्टाफ क्या सोच रहा है, ओनर्स क्या सोच रहे हैं और न्यू जनरेशन क्या सोच रही है। इन तीनों को जैसे ही हम मर्ज कर रहे थे ना, वो बॉम्ब ब्लास्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था। मैं इधर जा रहा हूँ तो सिद्धार्थ उधर जा रहा है, रविंद्र जी उधर जा रहे हैं, सुरेंद्र जी उधर जा रहे हैं, चारों में रोज एक्सीडेंट हो रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सीडेंट हो रहे थे। मतलब क्या हो रहा था? हाँ सर, मैं वही बता रहा था कि मान लो मैंने कोई डिसीजन लिया कि मेरे को जैसे ये करना है, लेकिन फिर वो मान लो सुरेंद्र जी मना कर रहे हैं, नहीं मेरे को ये करना है, और फिर कोई भी डिसीजन क्योंकि अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था, कहीं पे भी कुछ भी अलाइनमेंट नहीं था। उसी चक्कर में ना हमारा टर्नओवर बढ़ पाया, ना हमारी सेल्स बढ़ पाई, और हमारे स्टॉक इन हैंड इतना हो गया, मतलब और पूरा फोकस नहीं था बिजनेस टुवर्ड्स, हम लोगों ने पूरी प्लानिंग नहीं थी, कोई शीट नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना एकदम लाला सिस्टम जो सर बोलते हैं, आप लोगों को अब बोला भी होगा, चार पांच बार बोल दिया होगा डेढ़ दिन में, फोर डे वाले में, कि जो लाला सिस्टम है ना उससे भी हमने उस पर स्पेशलाइजेशन कर रखी थी लाला सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सोच के अंदर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उस उन सब के कारण हम लोगों को जो जो चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ी, वो जो मैंने भी नोटिस करी उन लोगों ने करी, कि एक तो अलाइनमेंट कहीं नहीं था, कोई भी मीटिंग नहीं हो पा रही थी, मेजॉरिटी पे डिसीजन हो रहा था विदाउट अलाइनमेंट, ओवर स्टॉक ही ओवर स्टॉक, चारों तरफ स्टॉक ही स्टॉक हो गया था, कोई लिमिट ही नहीं थी स्टॉक की हमारे पास, क्योंकि सब अपने अपने को प्रूफ करने में लगे थे, और ईगोइस्टिक हो गई थी फैमिली कंपनी और जितने भी जनरेशन थे, ईगो की, अरे मेरे को कैसे बोल दिया, अरे मेरे को कैसे बोल दिया, ठीक है। फिर कोई ट्रैकिंग नहीं थी, कौन सा माल कब आ रहा है, कब जा रहा है, किधर से आ रहा है, कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, सब एक दूसरे को, क्योंकि कंपनी एक थी, अभी अभी हमने कंपनी चार कंपनी में डिवाइड कर दी है, सबको अलग अलग बैलेंस शीट हो गई है हमारे, पहले एक ही कंपनी में थे तो पापा को लग रहा था कि वो कमा रहे हैं, बड़े पापा को लग रहा था वो कमा रहे हैं, मुझे लग रहा था मैं कमा रहा हूँ, मेरे भाई को लग रहा था वो कमा रहा है, किसी का भी कोई भी डिसीजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, सबको लग रहा था हमने हमारा 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 कमा रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र जी आप बताइए कैसा चल रहा था पहले जब आप आए थे? नमस्ते जी, मैं सुरेंद्र निखार जयपुर से, हम लोग गांव से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, पेरेंटल बिजनेस लाडनू से चल रहा था हमारा गांव से, और जयपुर में हम आए, जयपुर में हमने वैसे चार चांद लगाए थे स्टार्टिंग में निखार के नाम से,
लेकिन एक लिमिट पे आ गए थे कि इससे ज्यादा अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब काम हम खुद ही अपने हाथों से ही करते थे, बड़े भैया करते थे, मैं करता था, फिर ये दोनों आए थे, इन दोनों को भी उसी में लगा दिया था, तो सब जने उसी काम को एक साथ करते थे। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी कोई फरिश्ता आ जाता है जिंदगी के अंदर, वो अपन को निकाल देता है उस प्रॉब्लम से। जैसे अरियंत ने भी जो प्रॉब्लम शेयर की थी, वो सब प्रॉब्लम होती थी बिजनेस के अंदर, सब तरह से होता था दिक्कत, लेकिन हमें एक एडवांटेज थी कि हमारे पास बिजनेस था, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका हमारे पास नहीं था। वो हमें भगवान का भेजा हुआ मसीहा मिला राहुल जैन के रूप में, जो हमें रेफर किया था आर्यन के ब्रदर इन लॉ ने और हमारे एक जमाई बाबू ने, दो ने हमें रेफर किया। तो उनको जो रॉकेट लगे हुए थे ना, उनको देख के हमारे भी इच्छा हुई कि हमारे पास स्पेस है पूरा बना हुआ, लेकिन रॉकेट लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमें राहुल जैन जैसे ही मिला हमें, तो पहले वन डे किया, फिर फोर डे किया, और फिर हमने पूरा 8 मंथ किया, और उसके बाद करने के बाद में एक कंपनी में हमने लागू किया, और उस कंपनी में हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो गया। पहले क्या प्रॉब्लम्स आती थी? पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि कोई अलाइनमेंट ही नहीं था, नहीं स्टाफ से अलाइनमेंट था, ना भाइयों में अलाइनमेंट था, नहीं हमें कोई सिस्टम समझ में आता था कि कौन सी डिजाइन है, इसके कितने पीस बिक गए, कितने रह गए, इस डिजाइन को और रिपीट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब यंग जनरेशन आ गई थी और राहुल जैन का हमें सहयोग मिल गया था, तो हमें सब जगह सीट्स वगैरह एक कंपनी में हमने लागू कर दी। नहीं, मगर आपको पहले जो प्रॉब्लम्स आती थी, आपका तो साड़ी का होलसेल का बिजनेस है ना? हाँ जी, होलसेल ट्रेडिंग दोनों है, रिटेल भी है। होलसेल ट्रेडिंग, रिटेल भी है, दुकान भी है, सब है, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, सब है। सारी चीजें रखी हुई थी आपने, साड़ी को लेकर सब कुछ? हाँ, साड़ी सलवार सूट कुर्ती लहंगा सब कुछ था हमारे पास। साड़ी सलवार सूट लहंगा सब कुछ था, वेरी नाइस। और सब में अच्छी सेल होती थी, लेकिन क्या होता था, कोई आइटम जैसे 100 पीस बिक गए, तो हमें लगता था कि ये दूसरा आइटम बिक रहा है उसकी वजह से हो रहा है, और हम प्रोडक्शन उसका कर लेते तैयार। लेकिन अब जब से आपने आंखें खोली है हमारे बिजनेस के अंदर, हमें एक एक चीज का नॉलेज होने लग गया है कि कौन सा आइटम बिक रहा है, कब आया, कब बिका, कब पेमेंट हुआ, कब किस पार्टी को गया, कब किस पार्टी से पेमेंट आया, ये इस तरह की जितनी भी सीड्स आपने जो दिए वो हम लोगों ने लगाई, तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा हुआ, और उससे मल्टीपल हो रहे हैं। अब लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, हमारे एक बिजनेस के अंदर तो जस्ट डबल के पास है, और दूसरे बिजनेस कोई 60% कर रहा है, तो कोई 100% कर रहा है, कोई 80% कर रहा है, चार बिजनेस है, तो चारों में ये रिजल्ट है। लेकिन मजा आ रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो रविंदर सिद्धार्थ, रविंदर जी सिद्धार्थ, आपको पहले क्या इश्यूज आते थे? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, टू इयर्स हो गए मेरे को, तो मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे तो लग रहा था यार मैं कैसे करूंगा, समझ नहीं आता था, क्योंकि इतना दुनिया भर का स्टॉक देखता था, दो फ्लोर में स्टॉक ही स्टॉक भरा हुआ है, तो मेरे को हमेशा टेंशन होती थी। मैं पापा से आके पूछता था यार इतना स्टॉक है यार, ये बिकता कब है, पेमेंट कब आती है, कुछ समझ नहीं आता, मतलब वो स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता। 6-6 महीने फैब्रिक पड़ा है, फिर वो बनने जा रहा है, फिर वो बन के आता है, पेमेंट एक एक साल घूम रही नहीं है, तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। पर देखो, मैंने तो ज्यादा वो दुखी वाला टाइम देखा नहीं है, मुझे तो काफी जल्दी राहुल जैन करने का मौका मिल गया था, काफी अर्ली स्टेज में। आई स्टार्टेड बिजनेस थ्री फोर मंथ्स, मेरी फैमिली ने मेरे को प्रिविलेज दिया कि मैं राहुल जैन कर पाऊं, तो आई थिंक मैंने राहुल जैन करने के बाद मेरे तो इतने रूट स्ट्रांग हो गए ना, आज मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ ना तो मैं एक डिफरेंट पर्सन लगता हूँ, मैं उनके साथ बैठ भी नहीं पाता, मतलब वो मैच नहीं करती थिंकिंग हम लोगों की। तो राहुल जैन करने के बाद फिर मेरे को टेक्निकल शीट्स का काफी शौक था, आपके जो मैंने देखे थे, और हमने पढ़ाई भी की थी बीबीए वो सब में कि नंबर्स होने चाहिए, पर वो यूज कैसे करना है समझ नहीं आया था, क्योंकि पढ़ाई में कभी ये नहीं बताया कि शीट्स यूज करो, गूगल शीट्स करो, ये करो वो करो। ये सब जो आपने दिया था ना सर, मेरे को तो मेरी लाइफ में एकदम राइट टाइम पे राइट मोमेंट में मिल गया, और आई थिंक अभी हमारी लाइन पे वन ऑफ द बेस्ट, नहीं हम बेस्ट हैं इंडिया में, हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम बेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, एंड लास्ट ईयर से डबल सेल्स है, डबल मतलब एकदम .100% डबल है, जो लास्ट ईयर जितना था इस साल पूरा का पूरा डबल है, एंड कोरोना से तो हमें बहुत फायदा हुआ है, बिकॉज क्योंकि हमने राहुल जैन कर रखा था, आज कोविड पहले आ जाता और राहुल जैन हम बाद में करते ना, हमें बहुत नुकसान होता, पर हमने सही समय पे राहुल जैन किया और कोविड भी सही समय पे आया, जो लर्निंग मिली। हाँ जी,
हाँ जी, आपकी इंडस्ट्री में साड़ी वाड़ी वालों में वैसे क्या क्या सिचुएशन है गाइस? साड़ी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, साड़ी ज्वेलरी वगैरह में? डज एनीबॉडी हैव एनी आइडिया साड़ी इंडस्ट्री कैसी चल रही है? एनीबॉडी एल्स? आपकी बाकी सारी सारी इंडस्ट्रीज का क्या हिसाब किताब चल रहा है? किसी को आइडिया है साड़ी वालों का कि साड़ी वालों के रॉकेट लगे हुए हैं कि जैसे दिवाकर ने बोला लगी पड़ी है? क्या हिसाब किताब चल रहा है साड़ी इंडस्ट्री में? क्या हो क्या रहा है बताइए? गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज. राहुल आपको कैसे मालूम? राहुल यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. राहुल अग्रवाल, आई एम फ्रॉम द सेम ट्रेड and I know Surinder ji and Ravinder ji also very well, so we know them since years. Saadi ka business kaisa chal raha hai? Nahi, we are also basically manufacturing and wholesaling, going through a very very rough patch. Overall, I'm not talking about one person particularly, but overall the trade, nobody, I think even before COVID everybody was seeing 25% 20% year on year correction. So the golden period, I would say, of our trade was maybe from 95 to 2015, where everybody was growing 25% year on year. I don't know what the reason is. कह रहे हो कि सारा साड़ी का ट्रेड मतलब हैप्पी बर्थडे हो गया है? अभी currently now it is more about survival of the fittest, and whoever comes out of this will grow again. Very nice, very nice. Thank you so much. Thanks a lot. हाँ जी, तो आप बताइए, आप लोगों का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? सिद्धार्थ आप बता रहे थे क्या? अभी मैं आपको बेसिक जो आपने क्लासेस में स्टार्टिंग की, पता नहीं मुझे आपने कौन से स्टेज पे बताया था क्लासेस में, आपने हमें जो जितना भी आपने गूगल शीट्स में डलवाया है हमारा काम, तो अभी तो 110% हमारा सब गूगल शीट्स में है. अभी हम लोग कोविड के बाद जब लॉकडाउन खुल गया था, हम उसके बाद भी घर में बैठे थे, दो ढाई महीने घर पे बैठे थे. हमारी तो आदत हो गई थी यार, ऑफिस बिना ही काम होगा, तो शीट्स पे पूरा काम हो रहा था. पूरा काम अभी भी शीट्स पे ही हो रहा है, सबको शीट्स पे है. तो आप चार लोग बिजनेस संभालते थे, अभी आपको कितने लोगों को इकट्ठा होके बिजनेस संभालने की जरूरत पड़ती है? ऐसे देखे तो हम लोग की टीम अभी 200-250 पीपल की टीम है हमारी, बट पहले हम लोग चारों ही काम करते थे. एक तरह से समझो हम ही बिलिंग करते थे, हम ही सेल्स करते थे, हम ही परचेस करते थे, हम ही बिलिंग करवाते थे, कार्टन भी हम पैक कराते थे. लास्ट सुबह 9 बजे जाना तो रात को 10 बजे आना, यही लाइफ थी हमारी. बट आफ्टर आपकी क्लास के बाद हम लोग शायद कोई 12 बजे जा रहा है, कोई 1 बजे जा रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है कोई, पर एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम. शीट्स के थ्रू काम हो रहा है, लेस स्ट्रेस कम हो गया है लाइफ में, टेंशन फ्री काम हो रहा है. और बेस्ट तो ये हुआ है, हम चारों में जो अलाइनमेंट है, बॉन्डिंग है, वो तो सर आपकी क्लास के बाद ही आई है. पहले एक डिसीजन जो कर देता था, सर बीच में बोल रहा हूँ एक मिनट, सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट हुआ ना, वो ये हुआ कि हमारे बिजनेस के अंदर हम दोनों भाई और हमारे दोनों बच्चे चार जने आ गए. जब से आपका कोर्स किया है, नॉट ए सिंगल डे हम लोगों के बीच में बिजनेस डिफरेंस कोई भी हुआ है. कोई भी दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम लोगों के बीच में अलाइनमेंट नहीं रहा हो. इसके लिए आपको जितना थैंक्स दें उतना कम है. उसके पहले क्योंकि दिशा ही अलग अलग चलती थी, और आपने हम लोगों को एक साथ जो जोड़ दिया ना, उसका मजा ही कुछ अलग है. उसके लिए बारंबार आपको प्रणाम और धन्यवाद है, एकदम बहुत. सबको जोड़ डिफरेंसेस तो अभी भी रहते हैं, पर वो अलाइनमेंट आ जाती है. अलाइनमेंट 100% रहती है, डिफरेंसेस तो हमारे हमेशा ही रहते हैं, पर अलाइनमेंट हमेशा होती है, वरना डिसीजन ही नहीं होता है. अलाइनमेंट होती है मतलब क्या, और क्या सब लोग जुड़ गए उसका क्या मतलब होता है? सर आजकल हमारी हर वीक एक नहीं तो दो मीटिंग्स हो जाती है, टॉपिक को लेकर. पहले हम मीटिंग से पहले टॉपिक डिसाइड करते हैं, वरना पहले मीटिंग होती थी तो बात किसी और की हो रही है और बातें कुछ और चलने लग जाती थी. मीटिंग का डायवर्जन ही चेंज हो जाता था, क्या मीटिंग कर रहे हैं. पर अब मीटिंग का टॉपिक डिसाइडेड होता है, एक दो दिन पहले मीटिंग का टॉपिक दिया जाता है, और फिर सब लोग उसके ऊपर स्टडी करके फिर हम उसके ऊपर बैठते हैं, तो वो अलाइनमेंट हमारी होने लग गई. पहले ऐसा था कि जो एक ने बोल दिया वो फाइनल है, पर अब मेरे ख्याल से चारों के डिसीजन मैटर करते हैं, और चारों का एक भी मना करता है तो वो काम नहीं होता है. तो अलाइनमेंट सबकी रहती है उसमें साथ में. रविंदर जी आप क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूं सर, ऐसे में रविंदर जी हम बोलते हैं हमेशा मेरे जीवन में, साथ में मैं देखते हैं, उसमें एक राहुल जैन है, मेरी उम्र 60 साल हो गई.
मेरा तो जीवन ही चेंज हो गया। देखिए जबरदस्त फैमिली लाइफ हो गई, जबरदस्त भाइयों में बॉन्डिंग हो गई, जबरदस्त बिजनेस के लिए बॉन्डिंग हो गई। ये तो सिद्धार्थ काम कर रहा है ना, ये जो सिद्धार्थ काम कर रहा है ना, शायद ही कोई इंडिया में काम कर रहा होगा इस तरीके से। हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था इस तरह भी काम होता है। और सिद्धार्थ सबसे छोटा, जितनी बातें आप बता देना सारी। 8 महीने हो गए लॉकडाउन को, 8 महीने में 8 बार हम लोग घर से बाहर निकले होंगे, 10 बार निकले होंगे, बस घर बैठ के कामों की ये पोजीशन है, वर्क की ये पोजीशन है। ये सारा 100% ड्यू टू आप है सर। वेरी नाइस। और सिद्धार्थ सबसे छोटा है आप में? हाँ सबसे छोटा है, सबसे जोरदार, मतलब रॉकेट खाली है, किसके इतने रॉकेट लगे हैं सोच नहीं सकते आप। हम तीनों एक तरफ, सिद्धार्थ एक तरफ। सर जो टर्म्स कंडीशन पर ये काम करता है, हमारी लाइन के लोग बात नहीं सोच सकते। जो हमारी पुरानी पार्टी है इसको नहीं चाहिए कोई, इसको सब नए नए छोटे छोटे लोग चाहिए, पूरा केस में काम करता है, जबरदस्त काम करता है। क्या ये सारा ड्यू टू आप है। बिजनेस अपनी जगह, हमारा फैमिली अलाइनमेंट, आपस का अलाइनमेंट, सारा 100% आपके कारण हुआ है, इतना जोरदार हुआ है। मेरे कारण आपके यहाँ 100 लोग आए होंगे, इतनी मैं तो तारीफ करता हूँ दिन भर। वेरी नाइस जी। और आप सबसे बड़े हो और आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा मजा आपको आया है ताकि पूरा खानदान एक हो गया। एकदम आया सर, 60 साल का हो गया। हम मुझे आप 16 साल में मिलते ना तो पता नहीं कहाँ होते हम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब क्या हो क्या रहा है, एंड व्हाट इज इट, हाउ डू यू कंट्रोल क्वालिटी, व्हाट इज हैपनिंग, काम कैसे होता है, एडवांस है, क्रेडिट है, क्या कर रहे हो, टेल अस समथिंग व्हाट यू गॉट इन बिजनेस। हो गए हैं तो सबसे बेस्ट बात यह है कि 3 डिपार्टमेंट की सीसी खत्म हो गई है, वो हमारे लिए एक ड्रीम कंपनी की तरह हो गया। मैं प्रोडक्शन के अंदर हूँ तो मेरी अभी सीसी है जो मैं इस साल ही पूरी खत्म कर दूंगा, वो भी मेरी बेवकूफी की वजह से ही हुआ था वो, क्योंकि वो अलाइनमेंट नहीं हो रहा था। जैसा कि अभी ये बोल रहे थे, जो अलाइनमेंट नहीं हो रहा था तो मैं अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा था। पहले कितना लोन था कंपनी में, टोटल लोन? सर एक ह्यूज अमाउंट था जो हमने लास्ट ईयर ही पूरा कवर कर दिया। सिर्फ एक कंपनी जो मेरे पास है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके अंदर अभी लोन चल रहा है। कितना था? अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 7 to 8 crores का आप समझ लीजिए, जो हमने लास्ट ईयर क्लियर करा है। 7-8 crore पिछले साल आपने पूरी जो लोन है वो क्लियर कर दिया। हाँ, हर कंपनी में एवरेज 2.5 crore का अगर लेते हैं तो इतना था जो वो पूरी उन लोगों ने क्लियर कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मेरे पे अभी मान लो इतना ही लोन अमाउंट होगा, सीसी अमाउंट होगा जो मैं इस साल क्लियर कर दूंगा। मैं उसका रीजन बता रहा था, जो मैंने अपने ईगो के अंदर समझ लीजिए या विदाउट अलाइनमेंट प्रोडक्शन किया। मेरे फादर ने भी मुझे बहुत बार समझाया, हमारे बीच में बहुत क्लैशेस हुए, अलाइनमेंट नहीं आ रही थी, मैं कुछ भी बना रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे को शीट का पता चला और सर ने बताया बनाओ वही जो बिक रहा है या बनाओ वही जो डिमांड कर रहा है कस्टमर। पहले हमारी आदत में था हम स्टॉक रख के बेचते थे, अब हमारी आदत है हम पीओ रख के माल बनाते हैं और बेचते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क आया है और ये फर्स्ट सीजन है मेरी लाइफ का 2.5 years के अंदर जिसमें हमारे को प्रोडक्ट राइट टाइम पे मिला है। तू ढाई साल से काम कर रहा है बस? क्या बोल रहे हैं सर? तू ढाई साल से काम कर रहा है बस? हाँ, मतलब इस ब्रांड के अंदर, पहले मैं साड़ी के अंदर था तो सब एक ही बिजनेस में थे ना, अभी मेरे को डिवीजन 2.5 साल से मिला है। अच्छा। और को भी 1 साल से मिला है। तो बिजनेस संभालते हो? हाँ जी, हम चारों की अलग अलग बैलेंस शीट है सर। तो आप अलग अलग बैलेंस शीट, मतलब तू अपनी फाइनेंस अलग संभालता है पूरी? यस यस, मेरी पूरी फाइनेंस अलग है, पापा की अलग है, बड़ापा की अलग है, सिद्धार्थ की अलग है, चारों की बैलेंस शीट अलग है। और जिस दिन से अलग अलग हुए ना उसके बाद आपने हमारे पीछे रॉकेट लगा दिए हैं, सबको इतना जबरदस्त भागना पड़ रहा है क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन फैमिली के अंदर हो गया है जो पहले बहुत ज्यादा मिसिंग था। तो पहले कंपटीशन कैसा था? नहीं, सबको पहले यही लगता था, जो मैंने पहले भी शेयर करा, सबको यही लगता था कि अरे ये तो मैंने बिजनेस करा, ये तो टर्नओवर मैंने कर दिया, सब एक सम ऑफ द टर्नओवर के पीछे भाग रहे थे। और अब चारों के इतने टर्नओवर हो गए हैं जो सिंगल के हो रहे थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस सर, और हमें बहुत मजा आ रहा है। मैं मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मैंने बोला, फिर आप सर ने हमें सिखाया बॉटल नेक पकड़ना, मैंने बॉटल नेक पकड़ा है इस साल और मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ और मेरे क्लाइंट्स मेरे से हैप्पी हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बॉटल नेक होता था, जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को एग्जांपल, जो भी गारमेंट वाले होंगे, होता क्या है कि मेरे को लगता था कुर्तियां सिल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, रोज फैब्रिकेटर्स के फोन आ रहे हैं, भैया कपड़ा इशू करो। फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने इतना कपड़ा कटिंग पे दे दिया, वो बोल रहे हैं कपड़ा और दे दो, लेकिन कपड़ा गया कहाँ मेरा।
फिर सर ने हमें बोला था कि आप फैक्ट्री में जाके खड़े हो जाओ 20-25 दिन, तो हम लोग फैक्ट्री विजिट करके आए, मैं मेरी डिजाइनिंग टीम पूरी, फिर हम लोगों ने देखा तो पता चला कपड़ा वपड़ा सब सिला हुआ है, और बॉटल नेक जो निकल के आया ना, हमारी कुर्ती में बटन्स लगते हैं और काथा होती है, वैसी साड़ी में होता है वही सूट में होता है, बॉटल नेक तीनों में बहुत स्ट्रांगली यही वाला था, कहीं पे काथा हो रहा है कहीं पे वो, इन सब चीजों से रिजल्ट क्या मिला मैन्युफैक्चरिंग में, इन्वेंटरी कम हुई क्या, प्रोडक्शन तेज हुई क्या, क्या हुआ सर? अब ये हो गया है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो राइट टाइम पे आ रहा है, और जैसे ही आ रहा है वैसे ही बिल बन रहा है, स्टॉक इन हैंड हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर क्या था, मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर क्या हो गया सर? मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, ओवरऑल पूरे ग्रुप का मान लीजिए अगर हमारा लास्ट ईयर 50 बोलते हैं तो हमने इस साल 100 क्रॉस करा था, 100 से भी ज्यादा ही कर लिया था, वो हमारे लिए मैसिव हो गया था, हमारे लिए बॉम्बार्डिंग हो गया, और ये तो कोविड आ गया, वरना हम इस साल पता नहीं 200-300 क्रॉस कर जाते हैं, हमारे को इतना जबरदस्त पावर आ गई थी सर। हेलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मैं बोल रहा हूँ सर, पर कोविड भी आया ना, इसने हमें जो दिया है ना सर, लाइक अनबिलीवेबल फायदा है, मेरे को तो 1% भी रिग्रेट नहीं, आई एम रियली ग्रेटफुल कि कोविड आया है, मतलब मुझे 1.5 इयर्स हुए हैं, मतलब इन द सेंस बिजनेस आपकी क्लास करी उसके बाद जो बिजनेस में लगे सर, मैं आया था उससे पहले हमारा पूरा बिजनेस क्रेडिट का था, 40 days, 60 days, 90 days, मेरे पापा ताऊ जी तो 200 दिन क्रेडिट, 250 दिन क्रेडिट, 300 दिन क्रेडिट, भैया माल ले लो, भैया बस माल ले लो, क्रेडिट की कोई टेंशन नहीं है, पैसे तो आ जाएंगे सर। ये मेरे को हमेशा टेंशन होती है, पेमेंट आती कैसे है, मेरे को तो ये नहीं समझ आता प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, मतलब प्रॉफिट है या नहीं है, या फिर सिर्फ बस पैसा घूमे जा रहा है। तो मैंने भी देखा था, पापा को कॉल्स आते थे पेमेंट के लिए, पापा बोलते थे उसको 15 दिन, आगे से पेमेंट आ नहीं रही, पीछे पेमेंट जा नहीं रही, एकदम बिल्कुल समझ के बाहर जा रहा था। पर सर हमारा जो नया मॉडल है, जो लाइक हमने बिजनेस स्टार्ट किया कुर्ती का, ट्रेडिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का, जो मैं माल लेके उठाता हूँ सर, इसमें 70% बिजनेस आज मैं कैश में कर रहा हूँ, 70% बिजनेस कैश में हो रहा है, 30% क्रेडिट हो रहा है, 25 दिन का क्रेडिट होता है, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन, वो भी कोई निखार नोया के प्रिविलेज क्लाइंट से पुराने, उन पे हम 25 दिन का क्रेडिट देते हैं, वरना 100% कैश का काम हो रहा है। और सर टर्नओवर मेरे ख्याल से इंडिया में नंबर वन होगा हमारा, इन द सेंस कुछ डिपार्टमेंट में इंडिया का नंबर वन टर्नओवर, लास्ट ईयर से डबल टर्नओवर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। मैं इस कोविड को बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमने कोविड को अच्छे से एडवांटेज में यूज किया है, क्योंकि हमारे पास राहुल जैन के सिस्टम से, दूसरा हमने वो टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से यूज किया, मेरे ख्याल से आज हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनको थोड़ी ना प्रिविलेज दिया है राहुल जैन करने का, वो हमें मिला था, और वो जो सिस्टम हमारे थे वो हमें कोविड के बाद बहुत फायदा किया, मतलब कोविड से पहले इतना सिस्टम में ध्यान नहीं गया, बट कोविड के बाद तो सर सिस्टम से ही पूरा काम हुआ है, और डबल हुआ है, डबल 100% डबल हुआ है। तो आपने कितना, मतलब जैसे कुर्ती में नॉर्मल मार्केट में क्रेडिट पे चलता है कि नॉर्मल एडवांस पे चलता है? 100% क्रेडिट, माल बेच दो बस कस्टमर माल ले ले, वाली सिचुएशन है अभी, तो लोग खड़े हो जाते हैं कि भैया माल ले लो, और हम लोग 10 में से 5 पार्सल कैंसिल करता हूँ कि माल नहीं जाएगा, चाहे वो कोई लेजेंड भी हो इंडिया का, अगर हमारे टर्म्स कंडीशन में नहीं है तो पेमेंट उसकी टाइम पे नहीं है तो माल नहीं जाएगा। So don't you lose business because of this? सर लूज किया ही नहीं है ना, सर लूज किया ही नहीं है ना, 4 गुना हुआ है, उन लोगों ने पहले पेमेंट कराई कि यार ये क्या बात हुई, ऐसी क्या बात है इसके प्रोडक्ट में कि यार ये कैंसिल ही कर देता हमारा माल। वेरी नाइस, आपने बहुत सारी चीजें लगाई है, कलेक्शन इंजन ये वो CRM वगैरह, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन बिहाइंड दैट, प्लस द सेल्स स्ट्रेटजीज दैट यू हैव यूज्ड, बट वी विल कम टू सेल्स इन अ व्हाइल। सो राहुल सर, अभी सेल्स में क्या हो रहा है या बाकी ट्रेडिंग में क्या हो रहा है सर? अभी अगर मेरे पास एक डिजाइन के 1000 पीस आ रहे हैं, और ऐसा हो रहा है सर, मतलब मैं कुछ ऐसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा कि आपके सामने इतने जने बैठे हैं तो मैं बोलूं, पर सर ये फैक्ट है, आज अगर मेरे पास एक डिजाइन के 1000 पीस आ रहे हैं, मुझे 4 घंटे चाहिए बस, और मेरे 1000 पीस सोल्ड आउट है सर, 1000 पीसेस 1000 पीस सोल्ड आउट है सर, और ये मेरे 2 महीने से एवरीडे हो रहा है, आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड टू यू कि ऐसा हो रहा है सर, अनबिलीवेबल, मानेंगे नहीं। सुबह बस मैं तो है ना वेट करता हूँ हर दिन सुबह का कि यार मेरे जमीन पे माल आ जाए, बेचना तो अपने आप बिक जाएगा वो। और सर टीम जो मेरी है A+ A क्लास, मतलब सुपर टीम, सुपर सिस्टम, हर सेल्समैन के पीछे नंबर्स हैं, आज हर सेल्समैन के पीछे नंबर्स हैं, जिस नंबर्स पे हम उसको वेट करते हैं। पहले कैसे परफॉर्म करती थी, पहले कैसे परफॉर्म करती थी टीम? पहले तो परफॉर्मेंस ही मेरा था ना, सेल्स टीम तो थी नहीं, मैं ही परफॉर्मेंस करता था, सेल्स टीम को तो मैं गालियां ही देता था कि तुम्हें आता नहीं, क्योंकि मैं मौका भी नहीं देता था उन्हें।
मतलब पहले ही टीम परफॉर्म नहीं करती थी? सर मैं मौका ही नहीं देता था ना, मैं ही करता था, मुझे लगता था मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं। सारा काम आपने ही संभाल रखा था, और आपको आपने संभाल इसलिए रखा था क्योंकि आपके लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, या आपको लगता था कि परफॉर्म नहीं करते, या क्या मतलब? आदत में नहीं था, मतलब आदत में नहीं था खुद के हाथ से काम देना, वो विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये बेच पाएंगे। ऐसा लगता था ये क्लाइंट आएगा तो मैं ही बेच सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं बेच सकता। पर ये सब एक मिथ था सर, आपकी क्लास के बाद पता चला कि हमारी औकात और बड़े लेवल की, हमें बहुत बड़ा सोचना है। तो वो लेवल हमारे बड़ा ना, तो अब जाके आज मैं कंप्यूटर के सामने तो बैठ पा रहा हूँ, वरना तो हम लोग कंप्यूटर के सामने कभी जिंदगी में बैठे ही नहीं है। अब हम कंप्यूटर के सामने शीटें तो देख रहे हैं, पहले तो सर हम ही भाग रहे हैं, हम ही पार्सल करवा रहे हैं, बिलिंग करा रहे हैं, बाल भी हम ही बेच रहे हैं, परचेज भी हम कर रहे हैं, मतलब ऑल एंड ऑल वन मैन शो होता था तो रिजल्ट भी ऑब्वियसली नहीं होते थे। अभी हम लोग चारों के जो लास्ट ईयर टर्नओवर था आज हमारा डबल है, तो सर उसमें तो 100% सिस्टम्स और आपकी क्लास का पूरी हेल्प है। और टाइम कितना लगता है काम, ऑपरेशंस में कितना समय लगता है आपको? सर ऑपरेशंस तो है ही नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, ऑपरेशंस तो हमें पता ही नहीं चलता कि ऑपरेशंस है भी, कुछ ऑपरेशंस नहीं लगते हैं। ऊपर ऊपर जो सिस्टम्स है उसके ऊपर वर्क ऑन चलता रहता है, पर ऑपरेशन तो सर ना के बराबर है अभी। तो ऑपरेशंस के लिए आपको कितना समय लगता है, आपको, अरिहंत को, या मैं इसमें बोलूंगा सर मुझे इसमें टोटल मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं एक दिन में, कि पूरे दिन का प्लान जो सर ने एक जड़ी बूटी दे रखी है 4 AM उठने की। आज मैं, पापा, बड़े आपा और सिद्धार्थ हम लोग रोज सुबह उठ रहे हैं कंटिन्यूसली, पूरे लॉकडाउन में 4 AM उठाऊं, 4 AM 4:15, और वो 15 से 20 मिनट में जो शीट बना हमारे टीम में व्हाट्सएप पे कर देते हैं ना, उसी से पूरा ऑपरेशन तो वही हो जाता है। 15 मिनट का गेम होता है, और वो 15 मिनट अपन पूरी लाइफ के अंदर 9 से 9 बजे तक वही चीज करते हैं जो 15 मिनट में आप लिख देते हो। सुबह आपका दिमाग एकदम जबरदस्त काम करता है सुबह उठ के, हम लोगों ने वो किया और सर जबरदस्त रिजल्ट। आपने जितनी भी बुक्स पढ़ाई है वो एक एक बुक को हमने इम्प्लीमेंट कराए, यहाँ तक कि हमने ही नहीं, वो जनरेशन गैप ना हो, हमारी पूरी टीम ने सारी बुक्स पढ़ डाली है, हिंदी के अंदर हमने उनको प्रोवाइड करवा दी, पूरी टीम वो बुक्स पढ़ रही है, उनकी सोच वो है, हमारी सोच वो है, हमारे फादर्स की सोच वो है, और ये तीनों जब एक साथ हो गए हैं तो ऐसा अलाइनमेंट हो गया है तो टर्नओवर तो बढ़ना ही था, कोई रोक ही नहीं सकता था उसको। सर सबसे बड़ी बात सर, पूरे लॉकडाउन में पूरी टीम ने, हमारी जो 200 की टीम है उनमें पूरी टीम ने वन थिंग पढ़ी है और मैजिक बुक पढ़ी है। आज है ना, वो भी जादू पे बिलीव करते हैं, मैं बोलता हूँ 500 पीस बेचेंगे, वो बोलते हैं सर 1000 बिक गए, आप तो और लेकर आओ, 500 तो बिक गए, 1000 और लेकर आओ। ये मैजिक हुआ है सर इन बुक से जो आपने हमें रिकमेंड की थी। जो ट्रेडिंग का काम करते हो या होलसेल का काम करते हो, मुझे शेयरिंग का ऑप्शन दीजिए ना। आपका शेयरिंग का ऑप्शन ऑन है? ठीक है, ओके। राहुल जी। हाँ जी। ये सिद्धार्थ 1.5 साल से काम में आया सिर्फ? इसको 1.5 साल हुआ है काम शुरू किए। इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। कितने, क्या उम्र क्या है सिद्धार्थ की? अब शादी होगी इस साल सर, 23। आप 30 साल का लड़का है? 23 का है ना, 23 साल का लड़का है, 1.5 साल काम में आए हुए हैं, इसकी परफॉर्मेंस और सिस्टम देख लीजिए। हम लोगों को सिस्टम इससे पूछ पूछ के सेट करने पड़ते हैं, और इन दोनों ने मिलके एकदम जबरदस्त राहुल जैन को पकड़ा है। वेरी नाइस सर। एक मिनट मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ, गिव मी वन मिनट। सर जो छोटे से छोटा आदमी था ना वो जबरदस्त परफॉर्मेंस करने लग गया। सर मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ, मैंने पीपीटी क्रिएट किए, फिर आप जो बोलोगे ना मैं वो शीट्स आपको दिखा दूंगा। लाइक मेरे पास यार 25 to 30 शीट्स हमारे पास, जल्दी से दिखा दे पीपीटी, उसके बाद वी हैव टू कैरी ऑन आल्सो। 1 सेकंड सर। कल जगदीप जी ने दिखाए थे वो भी, दे आर लाइक इन द सेम सिस्टम सेम फॉर्मेट काइंड ऑफ थिंग। एक मिनट, आपको स्क्रीन शेयर है सर? हाँ स्क्रीन शेयर है। ओके सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग।
परचेज ऑर्डर का पूरा एक सिस्टम है. सो बेसिकली हमारे ऑटोमेटेड पीओ रेज होता है, मतलब परचेज ऑर्डर 100% क्लाइंट के लिए हमारा जाता है. मतलब जो भी मैं पहले माल परचेज करता था, तो वो मैं परचेज करता था, मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने परचेज किया वो, और वो जैसे उसकी डिलीवरी टाइम है 25 दिन, पर वो 35 दिन में देता था. जब सीजन खत्म हो जाता था हमेशा डीले रहता था, तो पता नहीं रहता. मैं 100 देता था वो ऑर्डर, तो वो 200 पीस लाकर मेरे को दे देता था. पर आपके सिस्टम की वजह से आजकल ऑटोमेटेड पीओ रेज होते हैं, सप्लायर को भी क्लाइंट को भी. सारे पीओस को हम ट्रैक करते हैं, जब भी माल आता है तो एक बंदा उसको रिसीव एंड पे गूगल शीट्स में एंट्री करता है कि इतना माल आया है. एक आउटपुट इस शीट से क्या आ रहा है, एक क्लिक में ऑटो मेल जा रहा है हमारे सप्लायर्स को. कंप्लीट ट्रैकिंग हो रही है टैट के साथ कि कितने टाइम पीरियड में आया है. कोई भी परचेज मेरी डिले नहीं होती. अगर 20 दिन है तो मेरे सप्लायर को पता है यार इसको 20 दिन में दे दो, वरना ये ना पूरा माल ही कैंसिल कर देगा. तो ये डर हमारे सप्लायर्स में हो गया है. और पहले क्या था? पहले तो कुछ आता पता ही नहीं था ना हम लोग. मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रेशर में काम करता था, मेरे सप्लायर के प्रेशर में, मेरे क्लाइंट के प्रेशर में. सप्लायर का माल लेना पड़ेगा वरना वो हमसे वापस काम नहीं करेगा, और क्लाइंट का भी प्रेशर रहता, तो हम लोग प्रेशर में ज्यादा काम करते थे. पर अब मेरे ख्याल से प्रेशर नहीं है, उनको समझ आ गया ये लोग सिस्टमैटिकली काम करते हैं, तो उस तरह से हमारे माल भी आता है और माल वैसे ही बिकता है. वेरी नाइस. नेक्स्ट. पूरी ट्रैकिंग होती है, और ये पूरी मतलब एवरी डे की रिपोर्ट मेरे को मेल हो जाती है कि आपने इतना परचेज किया है आज. हम लोग की जो स्टाइल्स होती है, प्लाजो सेट्स होते हैं, कुर्तीज होती है, गाउन होते हैं, तो इन मेरे को ये भी पता रहता है मैंने कितने प्लाजो परचेज किए, मैंने कितनी कुर्ती परचेज की, मैंने कितने शरारा सेट्स परचेज किए. तो आई नो मैंने किस सेगमेंट में कितना कितना परचेज किया है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम. वेरी नाइस. नेक्स्ट है सेल्स ट्रैकर. आज मेरे पास 10-12 की टीम है. सर ने मेरे को पता नहीं समझाया है नहीं समझाया, बट देर इज NBDNCRR, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट एंड कस्टमर रिटेंशन रेशियो. तो हमारी सेल्स टीम में 10 जने हैं, 10 में 4 जने आर लुकिंग फॉर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट एंड 6 जने आर लुकिंग फॉर CRR, कस्टमर रिटेंशन रेशियो. तो मेरे को नया बिजनेस एवरी डे मिलता है. आई डोंट नीड, आज हमारे ट्रेड में ब्रोकर है, पर मुझे ब्रोकर की जरूरत नहीं है. मैं आज सच बोल रहा हूँ, मुझे ब्रोकर की जरूरत नहीं है. कस्टमर ब्रोकर के साथ आता है ना, मैं उसको माल नहीं देने की इच्छा करती कि यार मेरे 2% मैं ब्रोकर को क्यों दूं. तो मैं ब्रोकर प्रेफर नहीं करता हूं इस वक्त. तो टू मेजर, तो हम लोग की जो सेल्स ट्रैकिंग शीट चल रही है उसके अंदर हर सेल्समैन कोई भी कस्टमर चलाता है तो वो गूगल शीट में एंट्री करता है, फिर वो मेरे पास आती है, मैं ओके करता हूं, तो वो व्हाट्सएप भेजता है. क्योंकि अभी व्हाट्सएप का लाइक बिजनेस व्हाट्सएप पे हो रहा है, तो हर को भेजना वैलिड नहीं होता. तो मैं उनको ओके करता हूं, वो वहां से ऑर्डर लेते हैं, शीट में अपडेट करते हैं कि हमने इतना ऑर्डर दे दिया. तो मेरे पास पूरा उसका ग्राफ बनकर आ जाता है, कौन सा सेल्समैन सेल्स पर्सन कितना काम कर रहा है. तो हमें इसमें नंबर्स आ जाते हैं कि कौन सा सेल्स पर्सन कितने नंबर पे काम कर रहा है. तो सेल्समैन जो भी है, सेल्समैन जिस भी क्लाइंट से बात करता है, उसका सारा डेटा सब कुछ एक ही 110%. मैं आपको एक और चीज बताऊं, इन गूगल शीट से एक और फायदा सर, जो कन्वर्ट नहीं होते ना, मैंने मेरे सेल्स पर्सन को बोल रखा है, जो कन्वर्ट नहीं होना उनका तो नाम पहले लिखो. उससे क्या फायदा होता है हमें कि सर जब हम एक मैसेज भेजते हैं ऑटोमेटेड, हमारे हर दिन हम लोग नई डिजाइन लॉन्च करते हैं, आज कस्टमर ने आज माल नहीं लिया पर वो लिस्ट में ऐड हो जाता है ना, तो हम उसको जब ब्रॉडकास्ट करते हैं, जब हम उनको ऑटोमेटेड गूगल शीट से मैसेजेस भेजते हैं, तो सेल्स शीट है क्या, परचेज की शीट या सेल्स की शीट? सर मैं दिखाता हूं एक बार, मैं पहले दिखाऊं वो? दिखा दो, बिकॉज ये आपकी जो पीपीटी है तो बहुत लंबी चलेगी, तो ऐसे तो 10 स्लाइड की है बस. ये तो 2 स्लाइड में इतना समय लग गया, 10 स्लाइड में तो जान निकल जाएगी. ये है सेल्स की शीट है मेरी. सो बेसिकली ये हमारी सेल्स की शीट है. इसमें टाइम स्टैम्प है, कौन सा क्लाइंट कितने बजे कस्ट सेल्स मैंने, मैं आपको आज का दिन का दिखाता हूं. अभी लाइव चल रही है, तो माय टीम इज वर्किंग ऑन इट. आप देखेंगे यस ही यस है, लोगों को बहुत कम है कि कन्वर्ट नहीं हुआ क्लाइंट. हमारे तो 100% कन्वर्ट ही रहता है. जैसे ये 28th की है, आज 28th है मेरे ख्याल से. ये देखिए आज इन लोगों ने, ये सॉरी कल की है, तो इनने 20 लोगों को कस्टमर को अपडेट किया. तो ये सेल्फ मतलब उनने खुद ने क्लाइंट लिया, उनने खुद ने टैली से ढूंढकर कस्टमर को लिया, उसने ब्रोकर डाला, उसने कस्टमर CRR है या NBD है उसने डाला, फिर उसने खुद का सेल्स पर्सन का नाम आ जाता है, और वो कन्वर्ट हुआ या नहीं, वो कन्वर्ट यस या नो कर देता है कि कन्वर्ट हुआ या नहीं क्लाइंट. फिर वो बिल नंबर डाल देता है और अमाउंट डाल देता है एंड क्वांटिटी डाल देता है. ये तो सब गूगल शीट से भर के आ जाता है. फिर उसकी जो बन के आती है शीट, वो आती है करंट वीक परफॉर्मेंस.
किस कस्टमर सेल्स पर्सन का वीक में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, इसमें हम उसको टारगेट मीटिंग टारगेट दे देते हैं, कन्वर्जन रेशियो, एवरेज, सब कुछ नंबर्स और परसेंटेज में आ जाता है इसके अंदर। एक मिनट वापस स्क्रॉल करना। या ये हर बंदे की आपकी जो प्लान्ड है, प्लान्ड एक्चुअल के उसकी कितनी मीटिंग हुई, कितनी सर? ये तीन दिन की है, मतलब ये वेडनेसडे तक की है, मतलब इन लोग ने 98 मीटिंग्स कर ली है, पर प्लान्ड 312 है, तो चार दिन में इनको 200 मीटिंग्स और करनी है। अगर उतनी मीटिंग नहीं हुई तो उनकी क्लास लग जाती है। तो मीटिंग इनकी प्लान्ड इतनी थी और ये खुद मीटिंग जनरेट कर रहे हैं? नहीं, लाइक मैं दे देता हूँ क्लाइंट्स, या फिर कोई रेफरेंस आ जाता है, या फिर कोई ब्रोकर से आ जाता है, इधर उधर से रेफरेंसेस आके हम लोग की एक शीट बनी हुई है जिसमें हम लोग क्लाइंट्स देते हैं, तो वहां से अपडेट करके क्लाइंट्स को अपडेट करते रहते हैं। 31% इन लोगों ने मीटिंग अचीव कर ली और कन्वर्जन रेशियो 127% था, मतलब ये 127 कैसे हो सकता है सर? 127% इन द सेंस इसने 50-40-15 कन्वर्ट की, सर प्लान्ड 75 था। अच्छा, इसने इसको बोला कि 75% कस्टमर कन्वर्ट करने हैं तेरे को, मतलब 75% लोगों से जिनसे आपने जिनसे आप मिले उनको आपने क्लाइंट बनाना है, इसने 86% बना दिया। यस सर, यस यस, वेरी नाइस। और एक्चुअल जो एक्चुअल रूपी सेल्स है आपकी पूरी कंपनी की 80% जो आपने प्लान किया था, 80% वो आ गया एवरेज रूपी सेल। आगे जाना तो सर आप देखिए, एक्चुअल मेरा ऊपर चल रहा है एवरेज। अब ये एवरेज पर क्लाइंट कितने रुपए का माल ले रहा है, तो हमने इनको एवरेज दे रखा है 40,000-50,000 का क्लाइंट दे रहा है। सर आज हम लोग बड़े क्लाइंट से डील करना पसंद नहीं करते, हम चाहते हैं कि छोटे छोटे क्लाइंट्स के पास जाएं जिससे हमें कैश मिले, तो हमें ये सब क्लाइंट्स कैश देते हैं। और मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं जो मेरे को 50,000-60,000 दिन के कैश में अमाउंट देके पेमेंट लेते हैं। पहले हम लोग एक क्लाइंट को 10 लाख का देते थे, पर अब हमने उसको डिवाइड करके छोटे छोटे क्लाइंट्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और ये सेल्स टारगेट प्लानर क्या है सर? ये सेल एवरेज रुपी सेल्स, मतलब इसको 49-50,000 का पर कस्टमर करना है। सेकंड शीट कौन सी है? सेकंड ये हो गया सेल्स टारगेट प्लान पूरा, सेकंड शीट पे आ जाते हैं। अब मैं आपको इंक्वायरी की दिखा देता हूं, इंक्वायरी की भी हमारी शीट चल रही है। थर्ड शीट फ्रॉम टॉप सेकंड रो, थर्ड शीट फ्रॉम टॉप सेकंड रो, डेली रिपोर्ट्स। सो डेली इंक्वायरी अलग, ये सर हमें डेली मेल आ जाते हैं मुझे डैशबोर्ड्स बनकर कि जैसे ये देखिए, ये सब अपने आप पीछे चल रहा है आपको कुछ? 100% ऑटोमेटेड है, 100% ऑटोमेटेड है, 100% किसका क्या रेशियो है पेमेंट, किस कारीगर का क्या रेशियो चल रहा है। मैं थोड़ा नाम लाइक बेसिकली हमारे कारीगर कोड्स हैं, किसका कितना रिटर्न हुआ, कितनी सेल क्वांटिटी है, तो ये सब मेरे को नंबर्स डेली के हाथ में रहते हैं ऑटोमेटेड। वेरी नाइस, ऑटोमेटेड मेरे हाथ में आते रहते हैं। पूरा परचेज जो ट्रेडिंग होलसेलिंग है, पहले ये होता था कि आप ढूंढते थे बड़े बड़े कस्टमर, अब बड़े कस्टमर की जरूरत नहीं, छोटे कस्टमर से भी आप काम कर सकते हो और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल सर, राइट 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 राइट, वेरी नाइस जी। सो गाइस एनी क्वेश्चंस फॉर देम और एनीथिंग एल्स? आपका मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पैच टू कलेक्शन, सारी चीजें सारे के सारे, और जब आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो ये गूगल ये सब बनाना आता था आपको कुछ? मतलब ही नहीं है सर, ना तो हमने कॉलेज में मैंने कभी इस पे ध्यान दिया था, पर आपकी क्लास के बाद ही गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म, आजकल मतलब सर मेरे पास है ना अनएडुकेटेड भी बहुत है, 10, 15, 17, 18 की छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो भी सर गूगल फॉर्म भरती है, गूगल फॉर्म भरती है तभी काम होता है आज, मतलब एवरीथिंग इज ऑन शीट्स, सब कुछ मेरे कंप्यूटर में, मतलब मैं फॉरेन भी चले जाऊं। हाँ जी, सारा का सारा ऑटोमेट हो गया सर? ऑटोमेट हो गया, बस वो है ना दिल में इच्छा रहती है जाने की तो जाते हैं, वरना सर ऑटोमेट तो आपने 100% करवा दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई दिग्गज सॉफ्टवेयर वाला रखना पड़ा क्या आपको? नहीं सर, मेरे पास 15,000 रुपए का डीएमई है, सिर्फ 15,000 का, एंड ही इज ए प्लस, वो कोई बड़े ब्रांड के लिए काम करता है। 15,000 रुपए का लड़का रखा हुआ है जिसने आपने तो ये सिस्टम आपने उसके साथ मिलके बनाया सब? यस सर, यस यस यस, मेरा आइडिया हमेशा मेरा रहता था, पर वो बंदा भी बहुत अच्छा मिला मुझे, ही मैं अगर 100 बताता हूँ तो वो 200 बनाकर शीट लेकर आता है सर, उसने ऐसे ऐसे मेरे कस्टमर की रेटिंग्स निकाल दी,
आज ओला उबर में जैसे रेटिंग्स निकलती है ना कस्टमर की, आज कस्टमर की रेटिंग है ये 5 स्टार कस्टमर है, ये 3 स्टार है, ये 2 स्टार है, उस तरीके से काम चलता है। 2 स्टार को तो हम ध्यान नहीं देते, पर अब हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज किया, 2 स्टार को 5 स्टार कैसे करें, उस तरीके से हम क्लाइंट से बात करने लगे, सर देखो आपकी रेटिंग ऐसे जा रही है हमारी कंपनी। Asking, has your profit margin also increased? सर प्रॉफिट सर मैं तो बोलूंगा ट्रिपल ट्रिपल 4 गुना 3 गुना हुआ है। Margins have increased or what percentage margin? सर मार्जिन मार्जिन इंक्रीज हुआ है, मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है और परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है, दोनों इंक्रीज हुआ है। मार्जिन कितना इंक्रीज हुआ होगा? सर देखो टर्नओवर बढ़ गया तो प्रॉफिट्स अपने आप ही बढ़ गए हैं, और मेरे पास आप जो बोलते हैं ना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो, आज सर हमारे जो बेस्ट एसक्यूज है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हर कार्टन में जाते ही जाते हैं जो मेरे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल है। तो आप पहले जो पहले पहले जो कम प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट भी बेचते थे, अब आप हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट बेच रहे हो। यस, वो हर पार्सल में होता ही होता है, वो मतलब कम वाला और हाईएस्ट वाला दोनों पार्सल में होते ही होते हैं, तो कस्टमर बहुत मजा आता है कस्टमर को मेरे से माल लेने में। वेरी नाइस एक्सीलेंट। दे आर पेइंग मी कैश, ये बहुत बड़ी बात है हमारी लाइन में, वरना है ना कस्टमर हमारे लाइन में पेमेंट के लिए ना बहुत रुलाते हैं, पर आज सर हम हमारे सिस्टम से कस्टमर को रुलाते हैं कि उन्हें पेमेंट देनी पड़ती है हमें ऑन टाइम। वेरी नाइस एक्सीलेंट गुड है जी, गुड एक्सीलेंट। एंड सर सब कुछ आपके वजह से है 110%, वरना सर आज हम लोग चारों एक ही कंपनी में बैठे रहते, टर्नओवर मेरे ख्याल से श्रिंक ही होता क्योंकि लड़ाइयां ज्यादा होती, और सब कुछ सर आपके सिस्टम्स, और लॉकडाउन में तो कोरोना को भी बहुत फायदा मंद बोलता हूँ, एक राहुल जैन सर और एक कोविड, ये दो चीजों की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ है। वेरी नाइस जी। सर जी हाँ जी, एक कीट ऐसी है जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, मल्टीपल कितना हुआ है वो मालूम नहीं कर सकते ना बता सकते, वो ये कि मेरा मेरे भाई से प्यार और मेरा भाई का मेरे से प्यार और मेरे बेटों का प्यार, बेटों का पिता से और बड़े पिता से प्यार, इसकी कोई मल्टीपल कितना हुआ है हम आपको बता ही नहीं सकते, आपको भी नहीं बता सकते, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ और मेरे को प्राउड है मेरे बेटों पे और मेरे भाई पे, और मेरे को खुद पे तो मजा आ ही रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जी, ग्रेट। सो any how are cash sales happening? So we'll look at it in sales, and why are customers paying on time? Iska system main aapko dunga, don't worry about this, because ye to maine pehle aapko finance mein bhi bol rakha hai ki we'll talk about how to get your customers to pay on time. Aur inventory kitni reduce ho gayi hogi Siddharth? Sir dekho before lockdown jo inventory thi wo to inventory aap mano thodi bahut hai, but डेढ़ सौ स्टॉक में रहते थे वो मैं अपने अजम्पशन से अपने क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस से करता था, पर वो काम नहीं रहा सर। अब 10 सेल्समैन पहले रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट को फिर ही प्रोडक्शन में जाता है, मतलब पहले मैं अकेला बॉस था, मैंने डिसीजन ले लिया, उसके पीस आ गए, पर सर ऐसा नहीं होता, मतलब इन द सेंस इसमें रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। आज हम 10 जनों के रिव्यू लेते हैं, अगर वो सब ओके बोलते हैं, एक भी मना करता है ना हम कैंसिल ही कर देते हैं, यार इतनी डिजाइन्स हैं, अगर 10 के 10 ओके बोलते हैं। पूरी बिजनेस में कितनी इन्वेंट्री कम हुई होगी राहुल सर जी? ऐसा है कि हमारा बिजनेस खाली इन्वेंट्री बेस्ड था, इन लोगों ने जो काम किया ना बिना इन्वेंट्री के किया। सिद्धार्थ के पास 15 दिन की बिक्री से ज्यादा इन्वेंटरी नहीं होती और 25-30 दिन में पैसे पेमेंट ले आता है वापस। हमने जितना पैसा लगाया था सारा इसने हमको वापस दे दिया, जीरो पैसे काम कर रहा है, पूरा वही पैसा घूम रहा है और उसी से पूरा काम चल रहा है, जबरदस्त बाजार में पेमेंट कर रहा है और जबरदस्त पेमेंट ले रहा है। आपके पहले आपका क्या था? पहले तो पेएबल वेनेबल ऐसे माल बेचते थे हम। और इन्वेंटरी कितनी रहती थी? इन्वेंट्री पहले कितनी रहती थी? इन्वेंट्री कोई माई बाप ही नहीं है सर, पहले साल में 3 पलटे 4 टर्नओवर होते थे हमारे इन्वेंट्री के, अब ये 15 दिन में 1 टर्नओवर कर रहा है। तो आप कह रहे हो पहले इन्वेंट्री टर्न आपका 4 होता था, अब 2 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक नहीं है। हाँ जी, पिछले महीने इसने अगर 5 करोड़ का माल बेचा है तो इसके पास स्टॉक 2.5 करोड़ का ही है, इससे ज्यादा स्टॉक ही नहीं है। और पहले आपके पास कितना स्टॉक होता था? पहले 2.5 करोड़ का माल बेचते थे, 3-4 करोड़ का स्टॉक होता था।
पहले आप कितने महीने का कितना कितने रुपए, पहले तो आप 2.5 करोड़ का माल नहीं बेचते, पहले तो कितना, पहले महीने का कितना माल बिकता था? 2.5 करोड़ का, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का। और अब वो क्या 5 करोड़ हो गया? वो 5 करोड़ हो गया। तो 2-2.5 करोड़ रुपए का माल बेचते थे और इन्वेंट्री कितनी होती थी? इन्वेंट्री पहले होती थी 3.5-4 करोड़ की। तो 2.5 करोड़ का माल बेचते थे और 3.5-4 करोड़ की इन्वेंट्री होती थी, अब 5 करोड़ का माल बेचते हो और कितने की इन्वेंट्री आप कह रहे हो? इन्वेंट्री अभी 5 का माल बेचना, 2.5 की इन्वेंट्री है। 5 का माल बेच के 2.5 की इन्वेंट्री है। वेरी नाइस सर, ये एक डिपार्टमेंट की बात है, मतलब जिसमें रॉकेट सबसे ज्यादा लगे हैं उसकी वजह। वेरी गुड जी, और चारों में भी अमेजिंग हुआ है और सबके भी टर्नओवर्स बढ़े हैं, पर थोड़े सिस्टम्स यहाँ पर मैंने लाइक मैं थोड़ा स्टबन था कि सारे सिस्टम्स फॉलो करने हैं, तो अच्छे हुए हैं और अब धीरे धीरे सारी कंपनीज में रॉकेट लग रहे हैं, अब लगा रहे हैं। और सर बेस्ट एक चीज आपके 100% सिद्धार्थ के यहाँ लगे हैं, 70-80% अरियंत के लगे हैं, हमारे यहाँ 50-50-40-40% लगे हैं, फिर भी हमारे बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो आप दोनों भाइयों के आप ठीक है, चलो गॉट इट जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। एक चीज और आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, प्रोडक्ट को रिपीट करते रहो, अगर वो हिट है NOS नेवर आउट ऑफ स्टॉक। आपने एग्जांपल दिया था हमें रेमंड का कि एक ही कलर के रखता है वो हमेशा जिंदगी भर। So I'll explain all of that. I'll explain all of that with what needs to be done. Yeah. Great, Haji. So thank you so much for joining in and sharing with all the enthusiasm. Thank you. सिद्धार्थ, अरियंत, रविंदर और सुरेंद्र जी को मैं पहली बार कभी शेयरिंग पे बुलाया है, सो दे आर ऑल फुल ऑफ एक्साइटमेंट टू शेयर एवरीथिंग दैट इज देयर विद देम, सो दैट वाज रियली रियली नाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, टेक केयर जी, थैंक यू।